हे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू के पकौड़े और इसमें हम डालने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और दोस्तों, आप लोग ज़रूर ये वाली रेसिपी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को ये वाले पकौड़े खा के जो टेस्ट मिलेगा ना, आई थिंक कि आप लोगों ने जो भी पकौड़े खाए होंगे उसमें आपको ऐसा टेस्ट देखने को नहीं मिला होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चार बड़े आलू को कट करके रखा है और दो बड़े इसमें प्याज कट करके रखा है। थोड़े से मैंने यहाँ पे बैंगन को भी कट करके रखा है, बिल्कुल बारीक शेप में। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी मैंने इसमें कट करके रखा है। तो यहाँ पर हमारे मिक्सर तो बन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो फिलहाल मैं इसमें दो बड़े स्पून ही बेसन डालूंगा और अगर इसमें थोड़ा सा कम हुआ बेसन तो हम बाद में डाल लेंगे। तो दो स्पून मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और उसके बाद अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च आपने हाफ टी स्पून डालना है अपने स्वाद अनुसार। और अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे नमक। तो नमक भी आपने अपने स्वाद अनुसार ही रखना है और अगर कम लगेगा तो लास्ट में आप इसे चेक करके डाल सकते हो। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी सब्जी और सब्जी में आप कोई भी डाल सकते हो अगर आपके पास जो भी बचा हुआ हो या जो भी आपने बनाया हो। तो फिलहाल तो मैंने इसमें आलू और लौकी की सब्जी डाली है, इससे इसका जो टेस्ट होगा वो काफ़ी गजब का आएगा। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाल दिया इसे और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो इसमें आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हाथों की मदद से आपने इसे इस तरीके से मिलाते रहना है। तो यहाँ पे ये लगभग मिल चुका है और इसमें थोड़ी सी मेरे को बेसन की कमी लगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड कर लिया है। तो इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालने वाले हैं चावल। तो अगर आपके पास बासी चावल हो या आपने कोई भी फ्रेश चावल बनाए हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, आपका इससे चावल भी कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैंने इसमें चावल भी मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से तो लगभग हमारा ये अब मिक्सचर बन चुका है और अब हम इसे अब तलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले रखी है छोटी सी और उसमें हम डालेंगे अब तेल। तो तेल आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हो। तो हमारा तेल यहाँ पे अब गर्म हो चुका है और अब हम कुछ इस तरीके से इस मिक्सचर को इसमें डालेंगे। तो ये आपने मिक्सचर को इसी तरीके से डालना है और लगभग सारे तेल को कवर हो जाना चाहिए, इतना आपने इसमें डालना है। तो छोटे छोटे से ये बना के आपने इसमें डालने हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं डालने हैं आपने मिक्सचर को, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा। तो हल्के पतले से आप देखना यहाँ पे इस तरीके से इतने ही डालने हैं आपने ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाएगा। तो इतने तेल में मैंने यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे पकोड़े डाले हैं और धीरे धीरे आपने जो गैस की फ्लेम है उसे यहाँ पर हाई रखना है ताकि ये जल्दी पक जाएगा और अच्छी तरीके से पकेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और हल्के हाथों से आपने इसे पलटा लेना है अच्छी तरीके से ताकि ये दोनों साइड अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो लगभग यहाँ पे हमारा पकौड़े पक चुके हैं, आप लोग देख सकते हो।
तो जैसे ही आपको लगेगा ये हल्के पक चुके हैं और रेड होने लग जाएंगे, तो उसके बाद आपने इसे कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। तो धीरे धीरे एक एक करके आपने इसे निकाल देने हैं सारे। और इसे थोड़ा सा साइड भी लगाना है आपने, ताकि जो तेल होगा वो इसी में रहे। तो इसी तरीके से आपने दोबारा से ऐसे डाल लेने हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से डालना है। देखें आप, अगर आपका ये जो पकोड़े हैं ये छोटे छोटे रहेंगे तो ये अच्छे तरीके से अंदर पक जाएंगे अच्छी तरीके से, और आपको खाने में भी इसको कच्चापन नहीं लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से आपने इतने छोटे पीसेस के बना लेने हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएगा। तो ये भी यहाँ पे हमारा पक चुका है। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इसे बनाना। आई होप कि आप लोगों को मेरे रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अच्छी ना लगी हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है। तो जिस तरीके से इतना अच्छा लग रहा है, खाने में जो इसका टेस्ट है ना, वो काफ़ी गजब का होगा, मतलब बहुत ही गजब का। अगर आप एक बार इसे खाओगे तो बार बार इसे खाने का आपका मन करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।